हाय वीडियो मैंने आप सभी का स्वागत है मैं न्यू वीडियो में सो so गाइस मेरे कमेंट सेशन में काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया है कि भाई हमको दुबई बुला लीजिए हमको दुबई का वीज़ा भेज दीजिए दुबई में जॉब कैसे मिलेगा कहां से आना पड़ेगा तो गाइस आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग दुबई आना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा आगे, आगे आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि दुबई का वीज़ा आपको कहाँ से मिलेगा कहाँ पर जाना पड़ेगा टोटल कितना आपको खर्च पड़ेगा बट चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बेलेटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर्स रिलेटेड वीडियो मिलती रहे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों एक बात बता दूँ मेरे व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से बात होती है तो वे लोग पूछते हैं कि भाई हमको दुबई में जॉब कैसे मिलेगा दुबई का वीज़ा कैसे मिलेगा तो गाइस मैं उन लोगों को फुल डिटेल से ऑफिस का एड्रेस मोबाइल नंबर सब कुछ बताता हूं कि इस कंपनी का इस ऑफिस पर रिक्वायरमेंट आया है आप लोग जाकर के अपना इंटरव्यू विजिट करिए वे लोग क्या कहते हैं कि भाई बहुत दूर पड़ता है मैं कैसे जाऊँगा मेरे पास में ऑफिस है तो उसको बारे में बताइए तो आप लोग बताइएगा कि आप इंडिया में किस कोने से बिलोंग करते हैं ये तो हमको पता नहीं है ठीक है कुछ लोग हैदराबाद से मैसेज करते हैं कुछ लोग तेलंगाना से मैसेज करते हैं कुछ लोग कोलकाता से करते हैं कुछ लोग हिमाचल प्रदेश से करते हैं कुछ लोग मध्य प्रदेश से करते हैं यानी कि इंडिया के कोने कोने से लोग मैसेज करते हैं तो आप लोग बताइए कि हमको तो हर डिस्ट्रिक्ट के हर प्रदेश के बारे में तो पता नहीं है कि हाँ इस प्रदेश में इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा अच्छा मैनपोर ओपिस है ये तो हमको पता नहीं है हमको जहाँ के बारे में पता रहेगा वहीं के बारे में आप लोगों को बता सकता हूँ तो जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे घर के बगल में ही ऑफिस मिल जाए मैं वहीं पे जाकर के अपना इंटरव्यू विजिट कर दूं तो ऐसे लोग अपना सपना छोड़ दें ठीक है अगर आपको दुबई आना है तो आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा आपको ऑफिसों पे जाना पड़ेगा तब जाकर के आपको दुबई में जॉब मिलेगा अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटिशन है ठीक है जो ऑलरेडी ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं उनको तो जॉब मिल ही नहीं रहा है और आप लोग सोच रहे हैं कि हमको घर के बगल में पावर ऑफिस मिल जाए जा करके अपना इंटरव्यू विजिट कर लूँ एक पैसे खर्चा भी ना हो तो ऐसे लोग अपना सपना छोड़ दे विदेश आने के लिए अगर आपको आना है तो घर छोड़ना पड़ेगा तभी आपको जो मिलेगा ऑफिस पर जा करके अपना इंटरव्यू विजिट करना पड़ेगा तो गाइस काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई दुबई आने के लिए टोटल खर्च कितना पड़ता है ये सभी लोग जानना चाहते हैं तो गाइस देखिए हर ऑफिस का अलग अलग चार्ज होता है ठीक है हर ऑफिस का अलग अलग चार्ज होता है कुछ ऑफिस जो होती हैं पचास से साठ हज़ार रुपये में काम करवाती हैं कुछ ऑफिस जो होती हैं साठ से सत्तर हज़ार लेती हैं कुछ ऑफिस लाखों रुपये तक लेती हैं ठीक है ठीके? तो हर ऑफिस का अलग, अलग अलग चार्ज होता है तो मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम आपको अस्सी से नब्बे हज़ार रुपये चार्ज लग सकता है ये मान के चलिए कि अस्सी हज़ार रुपये ठीक है उससे ऊपर भी लग सकता है उससे कमती भी लग सकता है औसतन मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम अस्सी से पचासी हज़ार रुपये आप लोग मान के चलिएगा दुबई आने के लिए लेकिन तो जो एजेंट जो ऑफिस वाला आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देगा वही इतना पैसा लेगा अगर आपको विजिट वीज़ा पे भेज रहा है तो इतना पैसा नहीं लेगा विजिट वीज़ा पे आने का खर्चा आपका 40 से पचास रुपये पड़ेगा ठीक है अगर आप खुद से विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं तो आप 40 से पचास हजार रुपये में आ सकते हैं लेकिन तो यहाँ पे आने के बाद आपको रहने का खाने का किराया भरा टोटल मिला करके आपका लाखों रुपये खर्चा पड़ सकता है क्योंकि आप वी टी वी ले यहाँ पे आएंगे तो आपको एक बार जॉब नहीं मिलेगा वी टी पे आने का मतलब है कि आपको रूम लेना पड़ेगा होटल बुकिंग करना पड़ेगा आपको इधर उधर जाने में खर्चा होगा ठीक है तो उसके लिए आपको लाखों रुपये चार्ज पड़ सकता है मैक्सिमम मान के चलिएगा क्योंकि वी टी पे आने का मतलब है कि आपको जॉब ढूंढना है जॉब रखा नहीं गया अगर आपको कोई बुला रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको बुला रहा है तो आपका पूरा मेंटेन करेगा खाने का जॉब के लिए तभी आपको बुलाएगा अगर आप खुद से आना चाहते हैं तो आप लोग लाख रुपए मान के चलिएगा कि हाँ मैक्सिमम लाख रुपए लग जाएगा ठीक है एक लाख रुपया आपका मैक्सिमम पड़ जाएगा अगर आप खुद से विजिट वीजा लेकर के आना चाहते हैं आपका कोई यहाँ पे नहीं है तो ठीक है अब बता देते हैं कि अगर आप इंडिया में हैं ऑफ़िस पे जाना चाहते हैं अगर आप लोग ऑफिस पे जाकर के इंटरव्यू देना चाहते हैं इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्सन में आपको बहुत सारी मैन पावर ऑफिस का लिंक मिलेगा ठीक है आप लोग उस वीडियो को जरिए देखिए उसमें ऑफिस का नेम मोबाइल नंबर लाइसेंस नंबर एड्रेस सब कुछ डिटेल से लिखा हुआ है मैं पेपर के साथ वीडियो बनाया हूँ आप लोग जा कर के उसको देखिए और जा कर के अपना इंटरव्यू विजिट करिए उसमें मोबाइल नंबर है आप डायरेक्ट फ़ोन करिए नहीं तो व्हाट्सअप करिए उधर से रिप्लाई जरूर आएगा ठीक है जब आप ये लोग करेंगे तभी तो कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा जब आप ऑफिस पर बात नहीं करेंगे ऑफिस विजिट नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ किस कंपनी की रिक्वायरमेंट आ रही है कैसे जाना रहेगा क्या प्रोसेस होता है आपको कैसे पता चलेगा आपको घर से बाहर निकल के ऑफिस पे जाना पड़ेगा तब जा कर के कुछ काम हो सकता है आप ये लोग सोचेंगे कि मैं घर पे बैठा हूँ हमको कोई वीज़ा भेज दे तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है मैं ही नहीं कोई भी नहीं कर सकता है ठीक है क्योंकि मैं भी देखिए कोई एजेंट नहीं हूँ मेरा कोई ऑफिस नहीं है पर्सनल ठीक है लेकिन तो ऑफ़िस के बारे में बताता हूँ क्योंकि उस ऑफिस से लड़के लोग आए होते हैं उनसे मेरी बात होती है कि हाँ ये ऑफिस अच्छा है अच्छी कंपनी में आदमी भेजता है इसके लिए मैं ऑफिस के बारे में बताता है मैं किसी को वीज़ा किसी को टिकट नहीं भेज सकता है क्योंकि मैं भी एक वर्कर ही आप लोगों की तरह मैं भी यहाँ पे कमाने के लिए आया हूँ बस ये वीडियो उसी लिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को मेरे जरिए इन्फॉर्मेशन मिले ताकि आप लोगों के साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो क्योंकि अभी के टाइम में विदेश भेजने के नाम पर इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है कि आप समझ नहीं सकते हैं इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है ठीक है दुबई भेजने के लिए दो दो लाख रुपये सब चार्ज करते हैं हालांकि जो वीज़ा होता है तीस से पैंतीस रुपये का वीज़ा मिलता है टिकट लेकर के पचास हज़ार रुपये में टोटल हो जाता है लेकिन तो दो दो लाख रुपये सब मांगते हैं मेरी इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों से बात होती है तो भाई बोलते हैं कि हम एजेंट हमसे डेढ़ लाख रुपये मांग रहा है दो लाख रुपये मांग रहा है भेजने के लिए ठीक है तो अगर आप लोगों को आना है तो आपको ऑफिस से जाना पड़ेगा ऑफिस का एड्रेस आपको पता नहीं है तो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिस का लिंक मिलेगा उसको जा कर के आप लोग देखिए मोबाइल नंबर एड्रेस लाइसेंस नंबर सब कुछ डिटेल से उस लिखा हुआ है ठीक है वो ऑफिस के मैं बता रहा हूँ कि पटना में भी है यूपी में भी है दिल्ली में भी है मुंबई में भी है कोलकाता में भी है बेंगलुरु में भी है चेन्नई में भी है ठीक है ये चार पांच स्टेट में आप लोगों को मैं बताया और आप आप लोग कहेंगे कि भाई हाँ हिमाचल प्रदेश में कहाँ है मध्य प्रदेश में कहाँ है तो भाई हमको हर जगह के बारे में पता नहीं है जो हमको जानकारी है उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है आगे आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग एजेंट से आना चाहते हैं ऑफिस से आना चाहते हैं इंटरव्यू विजिट करके आना चाहते हैं कैसे आना चाहते हैं इसके बारे में हमको पता नहीं है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन तो जो मेरे तरफ से जानकारी होती है मैं भरपूर देने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को हेल्प मिले क्योंकि कोई भी आदमी जब पहली बार आता है ना तो उसको मतलब अंदर बहुत ज़्यादा डर रहता है कि पहली बार जाएंगे तो कैसा काम होएगा एजेंट फ्रॉड कर जाएगा जिस काम में भेज रहे हैं वो काम मिलेगा नहीं मिलेगा सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन होता है तो गाइस अगर आप लोग मैन पावर ऑफिस से आएंगे तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि मैन पावर ऑफिस का मतलब है कि वो गवर्नमेंट से लिंक होती है जो भी काम होता है उसमें पक्का काम होता है पहले वो आपको ऑफर लेटर देगा उसके बाद आपसे पैसा लेगा ऑफर लेटर में आपको बताएगा कि यहाँ इतना सैलरी है इतना घंटा की ड्यूटी है कंपनी ये ये चीज़ें प्रोवाइड कराएगी सब कुछ डिटेल से लिखा रहता है वो आपको एक्सेप्टेड है तो आप हाँ बढ़िए एक्सेप्टेड नहीं है तो ना करके सीधे दूसरे ऑफिस पे चल जाइए ठीक है तो लेकिन तो आपको ऑफिस पे जाना पड़ेगा ऑफिस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग जरूर उसको देख लीजिए अगर आप लोग दुबई आना चाहते हैं बहुत ही अच्छी मैनपोर ऑफिस है ठीक है दिल्ली मुंबई में ज़्यादातर है ठीक है कई सारा ऑफिस का एड्रेस आपको उसमें मिलेगा आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी वीडियो में मिल गई होगी नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसके थ्रू आप लोग हमसे बात कर सकते हैं और जो भी आपका पर्सनल मैटर है आप लोग हमारे साथ साझा कर सकते हैं जो भी आपको जानकारी चाहिए गल्फ से रिलेटेड नमस्कार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ आपके अंदर जो भी क्वेश्चन है कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स करिए कमेंट्स करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ आदमी लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट्स करेंगे तभी हमको पता चलेगा तो उसके बारे में मैं जानकारी जुटा करके आप लोगों के साथ वीडियो बना करके शेयर करूँगा ठीक है तो नमस्कार जय हिंद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ